हेलो दोस्तों, आज प्याज की भाजी की रेसिपी बताएंगे हम आपको कि हमारे यहाँ प्याज की भाजी कैसे बनाई जाती है। तो ये प्याज की भाजी, इसको इस तरह से बारीक काट लीजिए, उसके बाद बताते हैं फिर आगे वीडियो में, बने रहिए। भाजी के लिए हमने लिया लहसुन, हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, और ये हमने कुछ मटर के करे मटर के दाने। और ये भाजी को धुल लीजिए अच्छे से, और अभी बनाते हैं इसे। चलिए देखिए, अभी हम खाने के लिए मिर्ची तल रहे हैं। जैसे मिर्ची होती है उसके बाद बनाते हैं भाजी। देखिए, अभी हमने तेल में जीरा डाला है, और अब इसमें प्याज, लहसुन और इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होते तक पकाएंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर दिखाती हूँ मैं। अब इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम भाजी ऐड करेंगे। भाजी ऐड करने के बाद बताती हूँ। अभी भाजी कंप्लीट नहीं हुई है, मिला लीजिए। और अभी इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, जो बिल्कुल देसी स्टाइल में। थोड़ा सा पानी दिखेगा तो थोड़ा सा पानी सूखने देंगे हम इनका। अब हम भाजी में बेसन ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से भाप में पकने देंगे। 5 मिनट हम इसे भाप में ही पकाएंगे। अब हम इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद दिखाते हैं। देखिए, इस तरह बनेगी हमारी प्याज की देसी स्टाइल में भाजी। और अब हम इसे अपने हिसाब से 5-6 मिनट पकने देंगे, उसके बाद हम इसे उतार देंगे।